तो ये रहा हमारे स्टैंड पार्कर, और इसी में हमने लगाए हैं ट्यूटर, जो कि ट्यूटर इसलिए लगते हैं क्योंकि जो मिड और ट्रेबल का आवाज़ होता है वो अच्छा खासा निकलता रहता है इसीलिए। तो वो रहा हमारा जनरेटर लगने वाला है। उसके बाद हमने अलग नहीं पूरा देसी आपको चलिए दिखाते हैं इसको सही कर, देसी या बक्सा जो रहेगा तो आपको सब चीज़ दिखा देते हैं। दो इस तरफ है, दो इस तरफ है, दो वो रहा, दो वो रहा, एक पेटी सार की उस तरफ है, ये रहा जो हमारा रेगुलटी वाला ट्यूटर है वही रहेगा। तो ये जनरेटर रहेगा, एक उस तरफ है, एक इस तरफ है, जो कि अपलोड होने वाला है। उस तरफ मशीन का क्वांटिटी रखा हुआ है, वो वीडियो में लास्ट तक बने तब ये पूरा समझ में आएगा। तो आज हम चलाने वाले हैं दो दो स्टेबलाइजर, और हमारे साथ दोनों रनिंग जनरेटर रहेगा, दोनों ही 7.5-7 kV है। एक ओल्ड वाला है ये वाला, और ये वाला न्यू वाला है जो हमारा पर डे का मतलब जो डेली का लगता है वही वाला। उसके बाद हमारे पास ये वाला एक मशीन है 24 वाला, और ये है 32 पे, भले ही टेप लगा लेकिन 32 ही। इसको हटा के भी दिखा देते हैं आप, ये देखिए ठीक है ना, 32 सेम ऐसे भी ये है, और एक ये है 32 ये भी है, और एक 7 है, इससे हम चलाएंगे ये वाला ट्यूटर। और एक आगे आपने आप सभी ने देखा है आगे वीडियो में, तो अभी बताते हैं आपको टेस्टिंग कैसा रखा, ऐसा रखता है हम। इस पे देखिए 4 देसी का नीचे लगा हुआ है, इस पे 2 लगा है, और इस पे 2 लगा है इस वाले पे, और इस पे हमारा उस पे लगेगा ट्यूटर में, तो सेम ऐसा रहेगा। और हमारा आपको पता है कि नया वाला जो मिक्सर है वो भी हमने जोड़ रखा है। तो अभी आपको दिखाते हैं साउंड टेस्टिंग का। Treble check.